बढ़ने पर सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए थे, जिसमें हर फसली चक्र के दौरान किसानों द्वारा गेहूं और जीरी की फसल काटने के बाद फसल के बचे भूसे को आग लगाई जा रही थी, जिससे वातावरण काफ़ी प्रदूषित हो रहा था, जिसके चलते सरकार ने फैसला लिया कि खेतों में बचे हुए इस भूसे को आग ना लगाई जाए। आग लगाने वाले किसानों पर जुर्माने भी किए गए थे, लेकिन इस बार भी यही आलम है कि हर तरफ किसान अपने खेतों में बचे इस भूसे को धड़ल्ले से आग लगा रहे हैं और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। प्रशासन ने चेतावनी दी थी कि हम सैटेलाइट से हर खेत पर नजर रखेंगे, जो भी किसान खेतों में आग लगाएगा उसको भारी भरकम जुर्माने किए जाएंगे। लेकिन जिला फाजिलका का आलम यह है कि हर तरफ खेतों में आग ही आग लगाई जा रही है, परंतु ना तो कोई अधिकारी इन किसानों को आग ना लगाने के लिए प्रेरित करने को उनके खेतों में पहुंचे और ना ही किसी किसान को जुर्माना लगाया गया। इस बारे में खेत में आग लगा रहे किसानों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनके पास इसका कोई हल ही नहीं है। किसानों ने कहा कि अगर आग लगाने पर सरकार जुर्माना करती है तो वह जुर्माना भरने को तैयार हैं। इस संबंधी जब जिला फाजिलका के तहसीलदार दर्शन सिंह से बात की गई तो उनका कहना कि उनके द्वारा पूरी मुस्तैदी से सैटेलाइट द्वारा नजर रखी जा रही है, अगर कहीं भी आग लगाई जाएगी तो उनको व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज मिल जाएगा। उनका कहना कि अभी तक कहीं भी आग नहीं लगाई गई है और ना ही जिले भर में किसी किसान को जुर्माने किए गए हैं। लेकिन देखिए, इन सरकारी दफ्तरों में एसी में बैठे अधिकारियों को क्या पता कि कहां कहां आग लगाकर वातावरण प्रदूषित किया जा रहा है, जबकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गांव-गांव में हर खेत में आग लगाई जा रही है। मजबूरी है किसान दी, जे आग ना लावांगे असी हुण इहनूं बाह के छड्ड देंगे, जो झोना लावांगे पानी भरांगे ते इह सारा तिरके उत्ते आ जाएगा ते बूटियां नूं सारियां नूं नप लैंदा जी, बूटे जांदे सड़। इह हुण इहनूं इन्ने उत्तों तूड़ी बना ली, जिहड़ा पिछे रिहा इह थोड़ा बहुत है ते इहनूं तां सड़ना ही पैंदा। तो इंदा सरकार जे कोई है उन्हां कोले कोई है जिहा प्रोडक्ट जिहदे नाल इह विच ही गल जाए तो उत्ते ना आवे तो जमींदार क्यों अग लाऊगा? जमींदार नूं कोई शौक नहीं जी धुआं करन दा या वातावरण नूं दूषित करन दा। जमींदार जे दूषित करदा तो वो ही उहनूं साफ भी उही करदा पिया, दरखत भी तो जमींदार ही लाँदा पिया ना खेत, वो तो किसी नूं विखदा नहीं, सीधा दिल्ली धुआं पहुँचदा वो जमींदार का ही पहुँचता, दूजियां दा तां पहुँचदा नहीं। सारिया तो साधना दे तू है वो भी है ही पट्टी हुण करेगा लगेगा तो सारे ही लगेगा, सारे ही लाई जाते कोई साढ़े को तो इन्हें कोई हल ही है नहीं, इन्हें असं की करांगे, सानू तो नुकसान करता है। साढ़े तो कोई पनीर बीज देता उग नहीं दिता, झोने ला झोने नप लेना इन्होंने पानी के तिरके उत्ते आ जाता सारा, ये तो सानू तो नुकसान ही नुकसान करता है जिमीदार नूं। गवर्नमेंट सानू की दिंदी है? कुछ नहीं दिंदी, कोई साडी सहायता नहीं हैगी गवर्नमेंट की। हाँ जी मजबूरी है जी, असं की करिए, मजबूरी है, असं तो ही अग लाई जाने, सानू कोई बनता हो कोई हल हो गवर्नमेंट कढे नाल असं क्यों अग लावांगे? नहीं जुर्माना लाओगे तो असं भी मजबूर हाँ, लाएंगे तो लाएंगे जी, फिर की करिए असं, दसो साढ़े को हल है? फिलहाल कोई किसी किसान का मौत नहीं लाएगी, साड़ी पूरी ये कि सैटेलाइट राय नजर रखी हुई है। जो कोई किसान नाल अग लाऊगा तो वह नियमान साहब कानूनी कार्रवाई की, जो कोई नाल जिमें कणक वढ़ ली तो नाल में कोई अग ला तो वह लानी भी चाहिए, तो सैटेलाइट राही वो व्हाट्सएप उसते हो जाए, मोबाइल पर आऊगी साढ़े को, जो कोई कोई भी मैसेज आऊगा सानू कि असं इस तरह भुखे जावे। सर असं वेखिया आस पास काफ़ी जोड़े जिमीदार ने लगा रहे हैं अग नाल नहीं साढ़े एरिए नहीं है ना, साढ़े कोई किसी ने। फाजिलका से कैमरामैन सुरेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट।